Good morning, dear student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Now I am here with Mr. Roundy to make you understand how can we round off the number to the nearest ten lakh crore and a decimal number to the nearest ones. So let's start with the um, hello with the Roundy. Say hello to Roundy. Okay, Roundy, let's start. के नाउ लिसन केयरफुली राउंडली क्या कहता है राउंडली कहता है कि अगर हमें कोई नंबर लाख जो आप पीछे सीख चुके हैं जब आपने लाख को राउंड अप किया था तो आपने उससे पहली वाली प्लेस यानी 10000 को ध्यान में रख के उसे राउंड अप किया था उसे लाख uh, uh, में कन्वर्ट कर लाख एप्रोक्सीमेट लाख्स में उस वैल्यू को बता दिया था आज जब आप 10 लाख को राउंड अप करेंगे तो मिस्टर राउंडी क्या कहते हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ब्लू कलर पे ब्लू कलर आ, सही तरह से विजिबल नहीं है सो लेट्स चेंज द कलर ओके लेट्स टेक मजेंटा कलर ओके नाउ तो अगर हमें टेन लैक को राउंड अप करना है तो रूल आ, क्या कहता है मिस्टर राउंडी बताएंगे अगर हमें टेन लेक को राउंड अप करना है तो हम उससे पहले वाली प्लेस यानी किसको देखेंगे लेक को उसको ध्यान में रख के जो मैंने आपको प्रमोशन बताई थी कि प्रमोशन अगर करनी है तो जूनियर को देखा जाएगा जूनियर टीम कैसा वर्क कर रही है अगर उसके जूनियर अच्छा वर्क कर रहे होंगे तो प्रमोशन होगी अदरवाइज नहीं होगी क्योंकि वर्क हाफ से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है तो इसकी प्रमोशन होगी ये हो गया फोर अब सारा वर्क क्या हो जाएगा जीरो वन तो ये था दूसरा आप देख सकते हैं कि थर्टी एट है तो किस लैक के ज़्यादा क्लोज है फोर्टी या थर्टी इज इट क्लियर फोर्टी के क्लोज है सो आंसर विल बी फोर्टी लैख क्लियर है नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट देखिए बेटा ये सेवनटी टू लैख समथिंग है तो सेवनटी टू सेवेंटी के ज्यादा क्लोज है बजाय एटी के सो आंसर विल बी सेवेंटी लैख क्लियर टू ऑल नेक्स्ट देखिए बेटा इलेवन लैख इलेवन लैक इज क्लोज टू द टेन लैख इंसपाइट ऑफ ट्वेंटी सो आंसर विल बी टेन लैख और दूसरा मेथड है प्रमोशन चेक करने के लिए जूनियर को देखिए हाफ भी वर्क नहीं किया है तो इसकी टीम ने अच्छा वर्क नहीं किया तो ये सेम पोजीशन पे रह गया और वर्क क्या हो गया अब जीरो फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा ओके नेक्स्ट है नाइन्टी थ्री लैख क्लोज टू नाइन्टी नॉट टू वन करोड़ तो वन करोड़ की बजाय ये नाइन्टी के ज़्यादा क्लोज है उसे थ्री स्टेप आगे आए हैं हाफ पे भी नहीं आए हैं तो नाइन्टी आएगा नेक्स्ट देखिए बेटा फोर्टी नाइन इज क्लोज टू फिफ्टी इन द सेम वे सिक्सटी फाइव इज क्लोज टू हमें टेन में कन्वर्ट करना है ध्यान रखिएगा सिक्सटी फाइव इज क्लोज टू सेवनटी सो सेवनटी लैख इन द सेम वे वी विल राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट करो तो करोड़ को में राउंड अप करने के सबसे पहले करोड़ वाले डिजिट को हम अंडरलाइन कर लेते हैं हमें थ्री करोड़ एटी सिक्स लैख यानी फिफ्टी से अबो आ गया है क्लोज आ गया फोर के तो फोर करोड़ विल बी द आंसर नेक्स्ट देखिए एट करोड़ ट्वेंटी फाइव लैख सो इट इज़ द क्लोज टू द एट करोड़ नॉट टू द नाइन करोड़ तो क्योंकि ट्वेंटी फाइव लैक ही गए हैं हम फिफ्टी हाफ तक भी नहीं आए हैं तो ये आंसर क्या होगा एट करोड़ नेक्स्ट देखिए नाइन करोड़ फोर लैख सो so, फोर ही लैख तक गए हैं तो ये नाइन करोड़ के ज़्यादा so, क्लोज है बजाय टेन के तो नेक्स्ट देखिए थ्री करोड़ थर्टी थ्री लैख थ्री करोड़ के ज़्यादा क्लोज है चाहे आप किसी तरह से देखिए जूनियर देखिए फाइव से आ, कम है यानी हाफ नहीं हुआ वर्क सेवन करोड़ फिफ्टीन लाख सेवन के ज़्यादा क्लोज है तो सेवन करोड़ विल बी द आंसर नाइन करोड़ फिफ्टीन लाख नाइन करोड़ के इसी के साथ हमने करोड़ तक राउंड अप करना सीख लिया और आ, वो रूल भी हमें मिस्टर राउंडी की हेल्प से आ, लर्न हो गया है कि हमें कोई भी नंबर अगर राउंड अप करना है तो उससे पहले वाली प्लेस को चेक करना है अगर वो फाइव से स्मॉलर है तो देयर विल बी नो प्रमोशन डिजिट विल रिमेन सेम और रिमेनिंग डिजिट्स फॉलो दैट आर फॉलोइंग दैट डिजिट विल बिकम जीरो और साथ ही इसी के साथ हमने करोड़ तक सीख लिया रोल आ गया हमें अब हम इसी में एक्सटेंड करेंगे हम डेसिमल्स में सीखेंगे तो डेसिमल में बेटा आप नियरेस्ट वंस में किस तरह से करेंगे ध्यान देंगे राउंडी के साथ हम इसको भी सीखेंगे ओके तो इसको कैसे करेंगे ये देखिए राउंड ऑफ करना है डेसिमल नंबर को नियरेस्ट वंस में तो पहले बेटा देखिए थ्री रूल सेम है टू पॉइंट एट तो वंस यानी वंस प्लेस कौन सी है ये तो इससे पहले कौन है एट है फाइव से बिगर है तो ये क्या बन जाएगा थ्री और पीछे वाली जीरो डिजिट क्या हो जाती है जीरो बाकी कोई चेंज नहीं इन द सेम वे फोर पॉइंट वन इज क्लोज टू द फोर पॉइंट जीरो इसको समझाने के लिए मैं आपको आपके मार्क्स को रिमाइंड कराऊंगी आपके जो मार्क्स होते हैं जैसे आपके मार्क्स आए सेवन एंड हाफ आउट ऑफ टेन तो इसको हम डेसिमल में क्या लिखते हैं 7.5 क्यों लिखते हैं टू से अगर आप इसको वन को डिवाइड कर रहे हो तो ये डिवाइड नहीं होगा तो हम अपने आप से जीरो कब लगाते हैं जब डेसिमल लग जाता है डेसिमल लग गया अब जीरो लगा के पूरा पूरा डिवाइड करना है क्योंकि हमें इसे डेसिमल में लिखना है ये भी फ्रैक्शन ही होता है तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे टू फाइव टेन तो जीरो पॉइंट फाइव सेवन प्लस जीरो पॉइंट फाइव मीन्स सेवन पॉइंट फाइव तो बेटा आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सेवन पॉइंट फाइव का क्या मीनिंग है आपका टीचर उसे राउंड अप करके एट में लिखता है इट मीन्स ये हाफ आ गया है हाफ मार्क्स है तो इसे कंप्लीट किया जा सकता है आगे देखिए बेटा सेम वे में नाइन पॉइंट सिक्स पॉइंट फाइव यानी हाफ हाफ से ज़्यादा आ गए तो ये टेन के अप्रोक्सीमेट uh, टेन है इन द सेम वे एट पॉइंट फोर एट पॉइंट फाइव भी नहीं हुआ है तो एट हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट चलेंगे टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव मीन्स ऑलमोस्ट इलेवन फोर्टी पॉइंट एट ऑलमोस्ट फोर्टी वन फोर्टी वन पॉइंट ज़ीरो इन द सेम वे फिफ्टी टू पॉइंट सिक्स मीन्स सिक्स की वजह से ये टू uh, क्या बन जाएगा थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा सो आंसर विल बी फिफ्टी थ्री पॉइंट ज़ीरो नेक्स्ट देखिए बेटा एट है एट की वजह से राउंड ऑफ होके सिक्स पॉइंट जीरो क्लियर है नेक्स्ट देखेंगे सेवन पॉइंट फाइव मीन्स पॉइंट फाइव कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी एट बन जाएगा यहाँ नाइंटी नाइन पॉइंट सिक्स मीन्स ऑलमोस्ट हंड्रेड इज इट क्लियर सो लेट्स एंड टू क्लास